हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना आपकी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ताज़े नारियल से तिरंगा चमचम बनाएंगे, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे हम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, होली, दिवाली या किसी भी विशेष अवसर पर बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो बिना देर किए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज का नारियल लिया है। अब हम इसके छिलके को चाकू की सहायता से हटाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा चमचम बहुत ही व्हाइट बनेगा। मैंने नारियल के छिलके को हटा दिया है और मैंने इसे अच्छे से वाश कर लिया है। अब हम इसे लंबे और पतले स्लाइस में काट लेंगे, क्योंकि हम इसे ग्राइंड करेंगे। इस तरीके से काटने से ये बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, इसमें कटे हुए नारियल डालेंगे और 2 गिलास दूध डालेंगे। अभी हम 1 गिलास दूध डालेंगे, जब थोड़ा पिस जाएगा तो इसमें और दूध ऐड कर देंगे। मैंने नारियल को ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं ये हल्का दरदरा है, इस तरीके का ही हमें पेस्ट चाहिए। यहाँ मैंने एक कढ़ाही लिया है, अब हम इसे कढ़ाही में डालेंगे। यहाँ हम 1 गिलास और दूध ऐड करेंगे। इसे हम जार में डाल देते हैं, ताकि जार में थोड़ा बहुत जो पेस्ट है वो भी दूध के साथ बाहर आ जाए। इसे भी ऐड कर देते हैं। टोटल यहाँ पे मैंने 3 गिलास के करीब दूध ऐड किया है, जो कि 600 ml के करीब है। अभी हम फ्लेम हाई रखेंगे और इसे बराबर चलाते रहेंगे, वरना सारा मिश्रण उबल करके बाहर आ जाएगा। इसका आप जरूर ध्यान रखें। आप देख सकते हैं मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अभी हम इसे ढक करके पकाएंगे, थोड़ा सा खुला रखेंगे, क्योंकि अभी इसमें से काफ़ी छींटे आ रहे हैं। ये पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 1.5 कटोरी चीनी ऐड करेंगे। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं, वैसे इतना चीनी परफेक्ट है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बीच बीच में चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। लगभग ये तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। इससे इसकी सॉफ्टनेस बनी रहेगी, क्योंकि नारियल बहुत ही जल्दी ड्राई होने लगता है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच रोज एसेंस ऐड करेंगे। आप अपने पसंद का कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। मिश्रण पूरी तरह से तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये एक जगह इकट्ठा होने लगा है। हम इसे इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मिश्रण लेंगे, इसे बॉल का शेप देंगे। आप देख सकते हैं ये कितना आसानी से बॉल बन रहा है। यही इसकी मेन पहचान है कि मिश्रण हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। आपको जो कलर ज़्यादा पसंद है उस कलर के लिए आप मिश्रण ज़्यादा ले लें। अब हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसमें चुटकी भर ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा और मिश्रण लेंगे, इसमें 1 चुटकी केसर फूड कलर ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। मिश्रण थोड़ा गर्म रहे तभी हम चमचम बनाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा मिश्रण लेंगे, पहले इसे गोल शेप देंगे, फिर इसे ओबल शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं इसे कैसे बना रही हूँ। ऐसे ही हम सारे चमचम बना करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज़, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आप सभी के लिए नए नए वीडियो अपलोड कर सकूँ। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर दिख रहा है। सच मानिए, जब आप इसे किसी को खिलाएंगे तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि ये आपने बनाया है। बातें करते करते मैंने सारे चमचम को बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने इसे और सुंदर बनाने के लिए नारियल का बुरादा लिया है।
अब हम एक चमचम लेंगे, इसी बुरादा में अच्छे से कोट करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे कोट कर रही हूँ। ऐसे ही हम सारे चमचम को कोट कर लेंगे। नारियल का चमचम बनकर तैयार हो गया है। आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना। ये देखने में कितना सुंदर दिख रहा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है। इस होली पर आप इसे जरूर बनाएं, विश्वास माने सभी पूछेंगे कैसे बनाया। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैप्पी होली।